आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिन में ही अंधेरे में डूबा हिमाचल, बारिश से फसलें बर्बाद, कल भी बारिश की चेतावनी। कसौली गोलीकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हिमाचल सरकार को फटकार। कसौली गोलीकांड का आरोपी गिरफ्त से बाहर, होटलों के आसपास धारा 144 लागू। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन, शिमला में पुतला जलाते वक्त झुलसने से बचे रामलाल ठाकुर। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बीफार्मा, डीफार्मा, एमफार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को मौसम ने करवट ली और प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई। प्रदेश में सुबह ही घनघोर बादलों ने डेरा डाल दिया था। हालांकि इसके बाद कुछ देर के लिए धूप भी निकली, लेकिन दोपहर बाद एकाएक बादल उमड़े और दिन में ही अंधेरा हो गया। आलम यह रहा कि वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ी। अंधेरा होते ही सोलर लाइट भी जगमगाने लगी। स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बीबीएन में दिन में ही छाए अंधेरे से स्कूली बच्चे भी सहमे दिखे। यहाँ दिन में ऐसा अंधेरा हुआ कि नन्हे मुन्ने अभिभावकों से यहाँ तक पूछते सुने गए कि हम आज शाम को स्कूल से क्यों लौट रहे हैं। इस दौरान पालमपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी व शिमला सहित समस्त प्रदेश में कुदरत का खतरनाक रूप देखकर हर कोई सहम गया। तेज हवाओं और बारिश से गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और थ्रेशिंग का काम जोरों पर है। लिहाजा बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं आम, लीची सहित सेब की फसल को भी नुकसान हुआ है। बारिश के अलावा रोहतांग समेत हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 मई को भी हिमाचल में बारिश की चेतावनी जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कसौली गोलीकांड पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए महिला अधिकारी सुरक्षा में लापरवाही पर हिमाचल सरकार को फटकार लगाई है। अब प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा इस मुद्दे पर नई न्यायिक पीठ का गठन करेंगे, जो गुरुवार को ही इस केस की सुनवाई कर सकेगी। हिमाचल सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने कोर्ट के सामने जो पक्ष रखा है, उस पर दोनों न्यायाधीश हैरान हुए और सवाल किया कि सरकार के 160 सुरक्षा कर्मी भी महिला अधिकारी की जान क्यों नहीं बचा सके। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करना बंद कर दे? सरकार और प्रशासन अभी तक क्या कर रहे हैं? आरोपी चकमा देकर भाग गया और अभी तक फरार है। महिला टीसीपी अधिकारी मर्डर केस में हिमाचल पुलिस 28 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्यारे को नहीं पकड़ पाई है। बुधवार को भी पुलिस के शिमला हेडक्वार्टर से एक डॉग स्क्वाड और एक स्पेशल कमांडो टीम ने कसौली के जंगल की खाक छानी। एसपी मोहित चावला ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी है। उसके बैंक खाते, क्रेडिट व डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन पर भी पुलिस की नजर है। एडीजीपी अनुराग गर्ग ने कहा कि पुलिस प्लानिंग के साथ काम कर रही है। हो सकता है कि आरोपी को किसी की मदद मिली हो। दूसरी ओर हत्याकांड में गंभीर घायल गुलाब सिंह की पीजीआई में स्थिति बेहतर बताई जा रही है। गोलीकांड के 20 मिनट बाद करीब 3 किलोमीटर दूर कंडा गांव में पुलिस को हवाई फायर की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। गोलीकांड के बाद डीसी सोलन विनोद कुमार ने अवैध निर्माण वाले सभी 13 होटलों के आसपास के एरिया में धारा 144 लगा दी है। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कसौली गोलीकांड के विरोध में कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का पुतला जलाने की भी कोशिश की।
शिमला में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला जलाते वक्त श्री नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर झुलसने से बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहूँगा चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए इनको, भेज रखी है। और किस प्रकार से उन्होंने बिहेव किया है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर ये मैं खुद हाथ से नहीं हटाता तो उस पुलिस इंस्पेक्टर ने तो मेरे को जला दिया था। आप मेरे को बताओ ये पुलिस हम लोगों को करने के लिए। इसके अलावा ऊना में तो कांग्रेसियों ने दो बार सीएम का पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भी सभी कोशिशें नाकाम कर दी। जिस तरह से आज तानाशाही का माहौल और लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है, आज हमने कठोर विरोध प्रदर्शन किया है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है, आज हम उसके विरोध में जो है मुख्यमंत्री का पुतला जलाने जा रहे हैं। धर्मशाला में प्रशासन के माध्यम से ब्लॉक कांग्रेस ने लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हमीरपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में गांधी चौक पर धरना दिया और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को कोसा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। एसएफआई कमेटी के राज्य अध्यक्ष विक्रम कास्त ने बताया कि चुनाव से पहले भाजपा ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले छात्र विरोधी रूसा को समाप्त करने का वादा किया था। हालांकि सरकार बनते ही शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने मंशा जाहिर की है कि सरकार रूसा को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी। साथ ही एक नया निर्देश जारी किया है कि एचपीयू की परीक्षा शाखा को निजी हाथों में सौंपा जाएगा और रूसा को पीजी स्तर पर भी लागू किया जाएगा, जो छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अभी जो हाल ही के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले चार सालों से जो छात्र रूसा की समस्या को लेकर खास तौर पे जूझ रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो वाइस चांसलर की जो पिछले एक साल से जो है वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो कार्य हमारे विकासात्मक कार्य है विश्वविद्यालय के अंदर वो जो लंबित पड़े हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर बुधवार शाम बौद्ध नगरी मैक्लोडगंज पहुंचे। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेट स्टार ने यहां परिवार संग डिनर किया, साथ ही ठंडी हवाओं के बीच घूमने का भी खूब लुत्फ उठाया। तेंदुलकर धर्मशाला के मौसम के पूरी तरह कायल दिखे। इससे पूर्व सचिन ने एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में चल रहे अंडर 19 टीम के कैंप में पहुंचकर युवा क्रिकेटरों को टिप्स दिए। उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों को मेहनत करने का मंत्र दिया। वहीं सचिन की पत्नी अंजलि बुधवार को फतेहपुर स्थित तिब्बती आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट नोरबिलिंगा पहुंची। अंजलि ने तिब्बती कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की खरीदारी भी की। चंबा पठानकोट एनएच पर तत्वानी के पास बुधवार को एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 8 लोग घायल हो गए। बस चंबा करिया रूट पर जा रही थी और तत्वानी के पास अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिस कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया। हादसे में घायल 8 लोगों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। एडीसी हेमराज बैरवा व रोहित डोगरा ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी चंबा डॉक्टर मोनिका ने बताया कि घायलों से पूछताछ के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्षों से छात्रों का भविष्य संवार रहा जेएस विजडम वर्ल्ड स्कूल ऊना में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। जेएस विजडम स्कूल बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाता है। सेशन 2018-19 की एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। न्यूज बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और अब चलते चलते बिलासपुर ओपन एयर जेल में कैदी ने किया वार्डन पर हमला, गंभीर घायल। गगरेट के उद्योग में काम करते वक्त मशीन में आया महिला कामगार का दुपट्टा, हुई मौत। 8 मई को होगी मंत्रिमंडल की बैठक, बजट घोषणाएं कैबिनेट में लाने के निर्देश। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं चंबा का ये खूबसूरत गीत अनिशा, ओम और दीक्षांत के मधुर स्वरों में। कपड़े
तो नारी चल चलो दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।